Hey guys, welcome back to the channel. और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में. आज के दिन हम बात करने वाले हैं कि किस तरीके से हम गियर को ठीक कर सकते हैं. जी हाँ, मेरे लास्ट वाले वीडियो में काफ़ी सारे मुझको कमेंट्स मिले कि हम किस तरीके से गियर्स को ठीक कर सकते हैं, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम लोग राइड कर रहे हैं और गियर स्विच करना चाहते हैं, वो गियर अच्छे तरीके से स्विच नहीं होता है. कई बार वो बीच में अटक जाता है, वो अच्छे तरीके से दूसरे गियर पर नहीं चढ़ता है, तीसरे गियर पर नहीं चढ़ता है. तो आज हम उसी को फिक्स करना सीखेंगे. तो क्या आप सब तैयार हैं इस चीज़ को सीखने के लिए? तो चलो फटाफट शुरू करते हैं. तो गाइस, सबसे पहले हम फिक्स करेंगे हमारे पीछे के गियर्स को. हम देखेंगे कि उसमें क्या प्रॉब्लम है और उसको हम किस तरीके से ठीक करते हैं. तो चलो फटाफट पहले उसको ठीक कर लेते हैं. नाउ अभी आप देखोगे मेरे गियर्स ठीक तरीके से काम नहीं कर रहे हैं. मैं गियर्स को स्विच कर रहा हूँ और उनमें प्रॉब्लम आ रही है, और देखो कैसे कट 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 की आवाज़ आ रही है. इसका मतलब है कि गियर ठीक तरीके से काम नहीं हो रहा. देखो बीच में एक गियर पूरी तरीके से स्विच ही हो गया, उसने एक गियर को करा ही नहीं. अब जब मैं गियर्स को उतारता हूँ, अब देखो कैसे जंप मार रहा है गियर. इसमें चढ़ता है, फिर बीच में देखो नहीं उतर रहा, कुछ देर बाद उतरा या फिर कुछ देर बाद, और दोबारा अब ये लास्ट वाले गियर पर उतर ही नहीं रहा है. तो इस तरीके की प्रॉब्लम कई बार हमारे गियर में आती है कि ठीक तरीके से ऊपर नीचे हमारे गियर्स चढ़ते ही नहीं हैं. अब देखो नाउ सबसे पहले हमें जानना पड़ेगा कि ऐसी प्रॉब्लम्स होती ही क्यों है. गियर्स कई बार अच्छे तरीके से ऊपर नीचे नहीं चढ़ते, उसके दो रीज़न हो सकते हैं. पहला कि आपका जो ये डिरेलियर हैंगर है, या तो ये टेढ़ा हो चुका है, ये या तो अंदर की तरफ है या बाहर की तरफ है. अगर ये चीज़ आपकी टेढ़ी हो चुकी है तो आपको इसको बदलना पड़ेगा. नाउ दूसरा पॉइंट हमारा, इसको बोलते हैं हम बैरल एडजस्टर. ठीक है, इसको अगर आप राइट की तरफ घुमाओ, लेफ्ट की तरफ घुमाओगे तो ये इधर की तरफ आएगा, आप इसको राइट की तरफ घुमाओगे तो ये उधर की तरफ जाएगा. तो इसको हमने पोजीशन करके ऑलवेज ये मेंटेन रखना है कि जिस गियर में आप सेलेक्ट कर रहे हो, आपका ये वाला जॉकी व्हील सेकेंड, आपका सेकेंड जॉकी व्हील आपके गियर्स के साथ बिल्कुल अलाइन हो. मतलब अगर आप अभी थर्ड नंबर पे हो तो आपका जॉकी व्हील भी उसी थर्ड नंबर के उसी में भी रहना चाहिए. हमें अपने गियर्स को उसी के अकॉर्डिंग पूरा मेंटेन करते हुए चलना है. वो हम कैसे करेंगे, चलो मैं वो भी आपको दिखाता हूँ. नाउ जैसा कि अभी हम देख सकते हैं कि हमारा गियर ठीक तरीके से ऊपर नीचे नहीं जा रहा है. मैं जितना मर्जी गियर को चेंज कर रहा हूँ, कभी एक कभी दो अपने आप ही उतरने में लगा हुआ है. प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए हम देखेंगे कि हमारा गियर कौन से नंबर पे है. अभी ये नंबर 3 पे है, तो हम इसको उतार लेते हैं. अब मैं इसको बिल्कुल 8 नंबर पे ले गया हूँ. आइडियली अब अगर जब मैं गियर चेंज करूंगा तो हमारे चेन को भी 8वें नंबर के गियर पे आना चाहिए. तो क्या वो आ रहा है? तो चलो उसको भी देख लेते हैं. ठीक है, अब हम देख सकते हैं कि गियर चेंज करने के बाद हमारा ये प्रॉपर 8वें गियर पे आ चुका है. तो अब हम इसको चेंज करके देखेंगे कि किस गियर में जाके ये हमें प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, और उस गियर में जाके हम उसको फिर फिक्स करेंगे. तो चलो फटाफट इसको भी चेंज करते हैं. हमने देखा कि पहले गियर में ये ऊपर नहीं चढ़ रहा है चेंज करने पे, इसका मतलब है कि पहले गियर में हमारी प्रॉब्लम है. तो इसको ठीक करने के लिए हम इस बैरल एडजस्टर के थ्रू थोड़ा सा इसको मूव करने की कोशिश करेंगे, जिससे ये अंदर की तरफ जाए. तो मैं बैरल एडजस्टर को उल्टे तरफ घुमा रहा हूँ, जिससे ये उल्टे की तरफ जा रहा है. अब हम देखेंगे कि क्या ये स्विच हो रहा है. ये बिल्कुल परफेक्ट तरीके से चढ़ गया. अब हम सेकंड गियर में चेक करेंगे, सेकंड गियर में ही नहीं जा रहा है. तो हम गियर को उतार के रख के फिर दोबारा थोड़ा सा बैरल एडजस्टर को टाइट करेंगे. थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ उसमें, इसका मतलब हम इसको थोड़ा सा और टाइट करेंगे. देखिए परफेक्ट तरीके से सेकंड पे गया. थर्ड गियर पे भी थोड़ा सा इसको प्रॉब्लम हुआ, तो थर्ड गियर के लिए हल्का सा टाइट और करके परफेक्ट 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 परफेक्ट. अब लास्ट वाले में ये थोड़ा सा प्रॉब्लम कर रहा है, इसको भी हम ठीक करेंगे. हल्का सा एक स्विच पास, देखिए परफेक्ट तरीके से ये चढ़ गया, बिल्कुल अच्छे तरीके से नीचे उतर गया. अब यहाँ उतरने में ये प्रॉब्लम दे रहा है, तो हम इसको थोड़ा सा ढीला करेंगे. एक स्विच उतर गया, चढ़ गया, परफेक्ट तरीके से उतरा. सेकंड भी, ये थर्ड, फोर्थ, यहाँ पे हल्का सा प्रॉब्लम हो रहा है, इसको हल्का सा ढीला करेंगे.
तो आप देख सकते हो बैरल एडजस्टर्स को जैसे ही हमने फिक्स किया हमारे गियर्स बड़ी इजीली ऊपर नीचे अब स्विच हो रहे हैं। तो गाइस अब हम देखेंगे कि क्या गियर्स हमारे परफेक्ट तरीके से शिफ्ट हो रहे हैं। तो चलो गियर्स को शिफ्ट करते हैं। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और ये हमारा लास्ट गियर। आप देख सकते हो सारे चढ़ गए। ये अभी एक नंबर पे है। दूसरा गियर, तीसरा गियर, चौथा गियर, ये पांचवा हमारा, छठा, सातवा और ये आठवा। तो हमारे सारे के सारे गियर्स बिल्कुल परफेक्ट तरीके से ऊपर नीचे जा रहे हैं। तो गाइज आपने देखा किस तरीके से इस सिंपल से बैरल एडजस्टर को अगर हम उल्टे तरफ मतलब टायर की तरफ अगर हम इसको घुमाते हैं उस तरफ तो हमारा जो ये डिरेलियर है ये उस तरफ जाता है, ठीक है। और अगर आप इसको अपने तरफ खींचोगे तो हमारा जो डिरेलियर है ये बाहर की तरफ आएगा। तो आपने ये चेक करना है कि आपके किस गियर में प्रॉब्लम हो रही है। क्या ये ऊपर जाने में प्रॉब्लम कर रहा है या आपका गियर नीचे उतरने में प्रॉब्लम कर रहा है। तो अगर आपका गियर ऊपर जाने में प्रॉब्लम कर रहा है जिस नंबर पे वो है वहाँ पे जाके फिर आप उसको हल्का सा टाइट करोगे उस तरफ को ताकि वो उधर की तरफ जाए, ठीक है। और अगर वो नीचे उतरने में प्रॉब्लम कर रहा है तो आपने चेक करना है कि किस गियर से वो नीचे उतर रहा है, फिर उस गियर पे आप ले जाके इसको हल्का सा ट्विस्ट कर दो ताकि वो इधर की तरफ उतर सके। अब यार हमने अपने पिछले वाले गियर्स को तो ठीक कर लिया पर आगे वाले गियर्स का क्या? कई बार होता है कि हमारे आगे वाले गियर्स में ही प्रॉब्लम होती है तो उसको कैसे ठीक करेंगे? तो चलो यार उसको भी फटाफट सीख लेते हैं, आ जाओ। तो अब हम ठीक करेंगे हमारे फ्रंट गियर्स को। हमारे फ्रंट में भी एक दो तीन गियर्स हैं, तीनों में से किसी भी एक गियर में प्रॉब्लम हो सकती है। कई बार होता है कि हमारे टॉप के गियर में नहीं चढ़ता है, मिडिल गियर में नहीं चढ़ता है या लास्ट गियर पे नहीं जाता है, तो उसको भी हम इसके थ्रू ठीक करेंगे। हम देख सकते हैं कि ये हमारे सेकंड गियर पे नहीं चढ़ रहा है। मैं स्विच करने की कोशिश कर रहा हूँ पर ये मेरे सेकंड गियर पे नहीं जा रहा है। तो आप देख सकते हो हमारे फ्रंट का जो बैरल एडजस्टर है वो यहाँ पे होता है। तो हम लोग इसको टाइट करेंगे और आंखों से नज़र रखेंगे कि हमारा जो बैरल एडजस्टर है वो किस तरफ मूव हो रहा है, क्या वो उसको टाइट कर रहा है। तो गाइज हमने इसको काफ़ी हद तक टाइट कर दिया है। थोड़ा थोड़ा टाइट करते करते हम लोग देखते रहेंगे कि क्या ये गियर्स हमारे ठीक तरीके से काम कर रहे हैं। तो गाइज आप देख सकते हो सेकंड गियर में बड़ी इजीली ये चढ़ गया और थर्ड गियर में भी ये बड़ी आराम से चला गया। अब हम देखेंगे कि क्या ये नीचे उतरने में गियर्स में प्रॉब्लम होती है या नहीं। तो हम देख रहे हैं कि गाइस कि ये सेकंड गियर पे नहीं उतर रहा है तो हम इसको वापस थर्ड में चढ़ा के। तो गाइस हमने देखा कि ये थर्ड गियर में तो बड़ी इजीली चला गया पर सेकंड गियर में नहीं जा रहा है, तो उसके लिए हम इसको थोड़ा सा ढीला करेंगे जिस बैरल एडजस्टर ने हमने इसको टाइट किया था। थोड़ा सा ढीला करने के बाद अब हम देखते हैं कि क्या ये गियर्स को उतार पा रहा है। थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ मतलब हमें हल्का सा ढीला और करना है। लास्ट गियर में भी ये बड़ी इजीली चला गया। अब हम देखेंगे कि क्या ये गियर्स को चढ़ने में हेल्प कर रहा है। परफेक्ट शिफ्टिंग, परफेक्ट शिफ्टिंग, डाउन शिफ्ट, परफेक्ट डाउन शिफ्ट, परफेक्ट। सो गाइस ये आपने देखा कि किस तरीके से मैंने एक सिंपल से बैरल एडजस्टर को टाइट और लूज करके अपने गियर्स को बड़ी इजीली अगर वो ऊपर चढ़ने में प्रॉब्लम हो रही है तो हम बैरल एडजस्टर को टाइट करेंगे, अगर गियर्स नीचे उतरने में प्रॉब्लम हो रही है तो हम बैरल एडजस्टर को थोड़ा सा ढीला कर लेंगे। कुछ चीजों का आपने ध्यान रखना है ये करते वक्त। पहला पॉइंट, आपने ये ध्यान रखना है कि आपका जो डिरेलियर हैंगर है वो टेढ़ा ना हो, अगर वो टेढ़ा है तो आपको उसको चेंज करना पड़ेगा। सेकंड स्टेप, फ्रंट के गियर्स को ठीक करने के लिए आपने चेक करना है कि जो आपकी केबल की टेंशन है क्या वो टाइट है, अगर वो ढीली है तो आप बस उस स्क्रू को थोड़ा सा खोल के आप तार को टाइट कर दो, उसके बाद अपने बैरल एडजस्टर के सेटिंग को कर दो। अगर आपकी केबल बहुत ज़्यादा टाइट है तो आपने देखना है कि वो उसको थोड़ा सा ढीला करके आप उसमें काम कर सकते हो कि नहीं। सो आई होप आप लोगों को वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा और अगर अच्छा लगा हो तो यार उस लाइक बटन को दबाना बिल्कुल मत भूलो, लाइक कर दो यार मुझे बहुत अच्छा लगता है। और अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर दो यार, क्या वेट कर रहे हो। ठीक है, मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो को लेके। टिल देन कीप पेडलिंग, स्टे फिट एंड ऑलवेज स्माइल। बाय बाय।